हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस के बारे में, जिसको कि हम जेजीए एपरेटस भी कहते हैं। ये जेजीए एपरेटस जो है, ये इट इज कंसर्न्ड विद द किडनी, जो हमारी जो यूरिनरी सिस्टम है, जो हमारा किडनी है, उससे कंसर्न है हमारा जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस। जक्स्ट्रा मीन नियर, ग्लोमेरुलर मीन्स ग्लोमेरुलस। इफ वी सी द डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन, वी नो दैट किडनी जो होती है वो किससे बनी है, वो नेफ्रॉन से बनी है। हम जब नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम इसको जो ये स्ट्रक्चर है, जो वोमन्स कैप्सूल है, इसको हम सीधा बनाते हैं। बट एक्चुअली जो स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर जो है इन एक्चुअल कंडीशन हमारे पास होता है, जिसमें कि वोमन कैप्सूल जो है इस तरह से डायरेक्शन इसकी होती है। तो दिस इज द वोमन कैप्सूल है, ये ग्लोमेरुलस है आपका, ये एफरेंट आर्ट्रियोल है, ये इफरेंट आर्ट्रियोल्स हैं, ये हमारा जो है ये डीसीटी है, इसको हम मान सकते हैं ये हमारा पीसीटी है, ये लूप ऑफ हेनले है, और ये जो है हमारा कलेक्टिंग डक्ट हमारे पास, कलेक्टिंग टिब्यूल्स कह लीजिए, ये टिब्यूल्स हैं और पूरा कलेक्टिंग डक्ट हो जाएगा। तो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस क्या है? दिस एपरेटस इज प्रेजेंट बिटवीन द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल डीसीटी एंड द आर्ट्रियोल्स, एफरेंट एंड इफरेंट आर्ट्रियोल के बीच में जो एपरेटस प्रेजेंट होता है, उस एपरेटस को हम कहते हैं जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस। अब अगर हम इस डायग्राम को थोड़ा एम्पलीफाई करके देखें यहां पर, तो इफ दिस इज द वोमन्स कैप्सूल, दिस इज द ग्लोमेरुलस, ये आपके एफरेंट और इफरेंट आर्ट्रियोल हैं ये। तो हम ये कह रहे हैं कि जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस जो होगा, ये एपरेटस जो है इट इज प्रेजेंट, ये देखिए, ये जो है ये आपका डीसीटी और एफरेंट एंड इफरेंट आर्ट्रियोल के बीच में प्रेजेंट है। जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस एक्चुअली हैविंग थ्री टाइप ऑफ सेल्स। पहला जो है इसका जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स होते हैं, जो कि हमारे इफरेंट आर्ट्रियोल के ऊपर होते हैं, जो हमने यहां पे शो कर रखे हैं। देन ये लेसी सेल होते हैं, LACS, लेसी सेल जो है यहां पे प्रेजेंट है ये। एंड देन द कोलोमेरुलर सेल्स, जिसको कहते हैं मैकुला डेंसा, ये कोलोमेरुलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। सो जेजी एपरेटस जो है, इनको ये कंसिस्ट होते हैं थ्री टाइप ऑफ सेल्स, दैट इज द जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स, लेसी सेल एंड कोलोमेरुलर मैकुला डेंसा। सो वी कैन से दैट जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस इज हैविंग दीज थ्री टाइप ऑफ सेल्स। तीन तरह के सेल्स होते हैं ये, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स जो कि आपके इफरेंट आर्ट्रियोल के आसपास हैं, लेसी सेल्स एंड द मैकुला डेंसा। बट इन अवर एनसीईआरटी ओनली दे हैव टॉक्ड अबाउट द जेजी एपरेटस, एंड इन एनसीईआरटी द डेफिनेशन हैज बीन गिवन कि ये सेंसिटिव सेल्स हैं जो प्रेजेंट होते हैं आपके डीसीटी एंड आपका जो एफरेंट आर्ट्रियोल्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं, उनको जेजीए एपरेटस कहा जाता है। बट एक्चुअली जेजीए एपरेटस से तीन तरह के सेल्स से मिलकर के बनते हैं। अब हम एक बार फंक्शंस की बात कर लेते हैं। लेसी सेल्स का फंक्शन जो है, दैट इज अननोन फंक्शन है। मैकुला डेंसा जो है, अगेन दे आर दी कीमो सेंसिटिव सेल्स होते हैं। एंड दी जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स जो कि प्रेजेंट है हमारे जो इफरेंट आर्ट्रियोल है उसके आसपास, ये जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल जो है ये क्या करते हैं, दीज व्हेन देयर इज अ फॉल इन द ब्लड प्रेशर, जब ब्लड प्रेशर में फॉल होता है, जब ब्लड प्रेशर हमारा डिक्रीज होता है, सो व्हाट विल हैपन इन दैट केस, अगर हमारा ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा तो हमारा यूरिन का जो आउटपुट जो है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। सो इफ देयर इज अ डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर, देन जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल जो होते हैं ये रिलीज करते हैं एक हार्मोन, जिसको हम कहते हैं रेनिन। रेनिन विल बी रिलीज्ड। ये रेनिन क्या करता है, ये रेनिन जो है ब्लड में जा करके, ब्लड में ये एंजियोटेंसिनोजन को एक्टिवेट करता है। ये ब्लड में एक प्रोटीन है जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजन। तो रेनिन इज अ हार्मोन विच इज रिलीज्ड बाय द जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन द
ब्लड प्रेशर में डिक्रीज होगा तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में डिक्रीज होगा और आपका जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल एक्टिवेट हो जाएंगे, वो रेनिन जो है ये उसकी सिंथेसिस करेंगे। रेनिन जो है वो एंजियोटेंसिनोजन को एक्टिवेट करेगा ब्लड में जा करके, और ये एंजियोटेंसिनोजन जो है ये एड्रेनल कॉर्टेक्स में जा करके एल्डोस्टीरोन को बनाएगा, एल्डोस्टीरोन को सिक्रीट करवाएगा। जो एल्डोस्टीरोन जो है पता है ये एड्रेनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है, एंड दिस एल्डोस्टीरोन जो है ये इट व्हाट इट विल डू, इट विल अगेन इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को ये बढ़ा देगा। ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी हमारा बढ़ जाएगा। इसको हम कहते हैं, इस सिस्टम को हम कहते हैं रास। रास का मतलब हुआ रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टीरोन सिस्टम। सो रास सिस्टम इज अ सिस्टम विच इज गोइंग टू रेगुलेट दी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को रेगुलेट करता है। कैसे रेगुलेट करता है? जैसे हमने कहा ब्लड प्रेशर में डिक्रीज होगा तो रेनिन जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल जो है आपके रेनिन रिलीज करेंगे, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन को एक्टिवेट करेगा, वो एड्रेनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टीरोन को सिंथेसाइज करवाएगा जो कि ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा। दिस इज नोन एज दी रास सेल, राइट? रास स्टैंड्स फॉर रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टीरोन सिस्टम। सो रास सिस्टम इज ऑपरेटेड थ्रू दी जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस जो होते हैं, इनके जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल जो होते हैं उनके थ्रू ऑपरेट होता है। तो हम ये कहेंगे जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस में जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स दे विल प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। लेसी सेल का फंक्शन अननोन है, देयर इज मैकुला डेंसा जो है ये ग्लोमेरुलर सेल्स होते हैं एंड दे आर दी रिसेप्टर्स हैं, कीमो रिसेप्टर जो है इनको हम कहते हैं। सो इन अ नट शेल वी कैन से दैट जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस इज आ रेगुलेटिंग सेल्स हैं जो कि हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर को, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो होती है उसको एक्टिवेट करने का काम करते हैं, राइट? सो दिस इज अबाउट दी जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस के बारे में हमने आपको बताया, राइट? सो थैंक यू वेरी मच।